फ्रेंड्स अभी हम दोनों का कंपटीशन होने वाला है कि कौन ज़्यादा देर तक पटरी पर चल सकता है, ठीक है। दोस्तों भागती दौड़ती इस दुनिया में हर शख्स परेशान है सुकून के लिए। दोस्तों सुकून सिवाय घर के कहीं नहीं मिलता, ऐसे ही सुकून की तलाश में मैं आज आया हूँ अपने गांव अपने घर में। इस सफ़र को शुरू करते हैं और साथ में होगा मेरा बेटा। तो दोस्तों गांव की सड़कों से होते हुए हम पहुँचे हैं पनघट पे। दोस्तों यहाँ पहुँचकर लगता है जैसे समय ठहर सा गया हो। दोस्तों पनघट चौराहे से होते हुए हम पहुँचे हैं हमारे गांव के चर्च में। दोस्तों लगभग 125 साल पुराना मेरा एक गांव है और लगभग इतना ही पुराना ये चर्च भी है। हम जो लोग गांव से दूर रहते हैं साल के अंत में एक बार यानी 25 दिसंबर को क्रिसमस सेलिब्रेशन के लिए ज़रूर ज़रूर से इस गांव में आते हैं। इस चर्च को समय विशेष रूप से सजाया जाता है और इस चर्च की रौनक देखते ही बनती है। दोस्तों गांव के चर्च की मुख्य पट्टिका पे लिखा है प्रेम कभी टलता नहीं। हमारे जीजस ने भी कहा है कि हर एक से अपनों के समान प्रेम करो। दोस्तों बहन को काम करता देख मुझमें भी ललक जगी कि मैं भी ईश्वर के भवन में कुछ काम करूं। तो मैं भी अपने बहन के साथ में कुर्सियों की सफाई करने लगा। दोस्तों दरअसल आज शनिवार है, कल रविवार है, तो कल संडे को यहाँ सब लोग आएंगे, तो उसी की सफाई बहन कर रही थी तो वही सफाई मैं भी करने लगा। और यकीन मानो दोस्तों मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैं कुछ छोटा सा काम एक ईश्वर के भवन में कर पाया। तो दोस्तों अब इस सफ़र को आगे बढ़ाते हैं, चलते हैं नदी की तरफ। तो दोस्तों नदी की तरफ जाते हुए हमें रास्ते में ये चर्च हॉल पादरी ओनर मेमोरियल सामुदायिक भवन दिखाई दिया है दोस्तों। और इसी से लगा हुआ ये जो भवन दिख रहा है आपको, जो मकान दिख रहा है, ये हमारे गांव के चर्च के फादर का है। और दोस्तों इसके जस्ट पीछे की तरफ डिस्पेंसरी है, हालांकि डिस्पेंसरी अब खुद इलाज की तलाश में है। दोस्तों गांव की सड़कों से होते हुए अभी हम जा रहे हैं नदी की तरफ। दोस्तों बेटे में इतना जोश है कि मुझसे आगे आगे चला जा रहा है। दोस्तों ये सड़कें अब पक्की बन चुकी हैं गाँव में। दोस्तों गाँव की नदी तक पहुँचने से पहले हमें इस खेल के मैदान में से निकलना होगा। दोस्तों ये खेल का मैदान हम बचपन में यहाँ खूब खेले हैं, हालांकि ये मैदान अब अतिक्रमण का शिकार हो चुका है। तो चलिए दोस्तों आगे की तरफ चलते हैं। सामने पेड़ों के आगे नदी है और जहाँ कहीं पानी भरा है, क्योंकि मई का महीना है, पशु अपनी गर्मी को शांत कर रहे हैं। दोस्तों आगे चलते हैं नदी की तरफ। तो दोस्तों नदी की तरफ हम आ चुके हैं और दोस्तों इस नदी पर आगे की तरफ एक डैम बना हुआ है और इस नदी के आगे भी एक नदी है। तो चलते हैं आगे वाली नदी पर। दोस्तों रास्ते में कुछ रंग बिरंगे पत्थर हमें मिले जिनको हमने अपने पास रख लिया। दोस्तों आगे वाली नदी, हालांकि पानी बहुत कम है और हमारी बहुत इच्छा थी कि हम नदी में नहाएं, पर दोस्तों ये मई का महीना है तो लू काफ़ी चल रही है, तो हमने उस समय नहाए नहीं नदी में, पर हम नदी में खेले खूब। तो हमें नदी में खेलना बहुत अच्छा लगा दोस्तों, और काफ़ी देर नदी के यहाँ रुक करके पानी में खेल करके हम अब आगे बढ़ चुके हैं और हम अब जाएंगे इस नदी पे बने हुए डैम पे। दोस्तों इस नदी पर एक बहुत अच्छा और बड़ा डैम बना हुआ है, तो चलिए आगे चलते हैं डैम पर। उस डैम को हम बंदे भी कहते हैं, तो उस बंदे तक जाने के लिए हमें सड़क का रास्ता लेना होगा और सड़क के रास्ते में हमें मिली है मिशन स्कूल। दोस्तों ये स्कूल अपने ज़माने की एक बहुत ही विख्यात स्कूल है दोस्तों, जिसको कि अंग्रेज़ों के समय बनाया गया और अंग्रेज़ यहाँ पढ़ाया भी करते थे दोस्तों। दोस्तों यहाँ पर सभी प्रकार की सुविधाएं इस स्कूल में बोर्डिंग की तरह दी जाती थी दोस्तों। और हालांकि इस समय ये बिल्डिंग काफ़ी ख़राब हालत में है, यहाँ पे पढ़ाई तो अभी इस समय संभव नहीं है क्योंकि बिल्डिंग काफ़ी जर्जर अवस्था में हो चुकी है दोस्तों। दोस्तों इस मुख्य बिल्डिंग के पीछे एक बिल्डिंग और थी जो कि दोस्तों खस्ता हाल होने की वजह से गिरा दी गई है, क्योंकि वो बिल्डिंग किसी हादसे का भी शिकार हो सकती थी, कोई उसके अंदर आकर के दब भी सकता था, इसलिए उस जगह को, उस बिल्डिंग को तो गिरा दिया गया है दोस्तों। सामने उसके अवशेष हैं और दोस्तों ये बिल्डिंग भी अब बहुत बुरी कंडीशन में है। दोस्तों बहुत बुरा लगा इतनी विख्यात स्कूल को, इमारत को इस तरह से जर्जर होता देख। दोस्तों मिशन स्कूल के सामने की तरफ ही मिशन बंगला है, तो हमने इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए अंदर चले। यहाँ पर दोस्तों अंग्रेज़ रहा करते थे और उस समय ये अंग्रेज़ यहाँ से पूरे गांव की व्यवस्था देखा करते थे।
दोस्तों गांव की देखभाल इस समय हमारे गांव के ही चाचा आर्ची जेम्स साहब करते हैं और दोस्तों उन्हीं की मेहनत है कि चर्च बंगला मिशन बंगला अभी तक काफ़ी अच्छी स्थिति में है। हमारे विशेष आग्रह पर उन्होंने कमरों को भी खोल के दिखाया। दोस्तों हर साल मई के महीने में इस गांव में कन्वेंशन होता है दोस्तों, उस समय ये बंगले की रौनक देखते ही बनती है दोस्तों। यहाँ पे पूर्ण रूप से सफाई कर दी जाएगी और यहाँ पे ठहरने की व्यवस्था की जाएगी दोस्तों। बड़े बड़े कमरे इस बंगले में बने हुए हैं और यकीन मानिए दोस्तों मई का महीना है मगर बिल्कुल भी गर्मी इन कमरों के अंदर नहीं है, इतनी अच्छी ठंडक है दोस्तों इन कमरों में। दोस्तों यहाँ पर भी चिमनी बनाई गई है ताकि ठंड के समय में अलाव लगाया जा सके। दोस्तों ये कुछ पुरानी धरोहर देख के मन खुश हो गया है दोस्तों। और दोस्तों आगे की तरफ चलते हैं, छत के ऊपर की तरफ सीढ़ियों से होते हुए, यह तो नीचे का रास्ता है, ऊपर की तरफ चलते हैं। छत के ऊपर चलते समय सामने मुझे अमरूदों का बाग दिखा है। फटाफट से छत पर होकर के मैं चलूँगा नीचे अमरूदों के बाग में। आइए नीचे चलते हैं अमरूदों के बाग में। दोस्तों ये अमरूदों का बाग है, हालांकि अमरूदों का मौसम नहीं है, अमरूद मिले भी नहीं, तो चलिए चलते हैं आगे की तरफ। और आगे हम चलेंगे बंदे पर, बेटा तैयार है गाड़ी लेके, क्योंकि बंदा थोड़ा सा दूर है। और कुछ पक्के और कुछ कच्चे रास्तों से होते हुए हम निकल पड़े हैं बंदे की तरफ। हालांकि कुछ रास्ता बहुत ही खतरनाक और दुर्गम भी है कच्चा होने की वजह से। पहुंच चुके हैं बंदे पर, इधर से नहर, नीचे की तरफ से नहर जा रही है, बच्चे यहाँ पर मस्ती कर रहे हैं और सामने है पानी। तो दोस्तों ये है मेरे गांव का बंदे, ये बंदा है यहाँ पे। और इस साल तक गर्मियों में भी पानी भरा हुआ है, इसमें काफ़ी पानी है। दोस्तों ये सारा भरा हुआ पानी सामने दिख रही नहर से होते हुए मेरे गांव की तरफ जाता है। दोस्तों अब मैं आ गया हूँ नहर के ऊपर की तरफ और सामने नहर है। ये बोल्ट से अभी तो बंद है दोस्तों, पर शायद एक खुला है सामने, जो आपको ऊंचा वाला दिखाई दे रहा है ये वाला अभी खुला है। तो इसके से होकर के नहर का पानी अभी मेरे गांव की तरफ जा रहा है। दोस्तों मई के महीने में भी यहाँ पर आना बहुत ही सुखद एहसास था दोस्तों। सामने बना हुआ ब्रिज बहुत ही प्यारा लग रहा है दोस्तों। तो दोस्तों गर्मी का टाइम है और बहुत ज़्यादा प्यास और भूख, तो अटरू चलते हैं और अटरू चल के लस्सी पीते हैं। चलिए अटरू चलते हैं पहले। तो बाय बाय बंदे, बाय बाय बंदे, बाय। दोस्तों मेरा गांव पिपलोद अटरू तहसील में आता है। ये देखो यहाँ रुको, ये भाई साहब, भाई साहब दो लस्सी देना। यहाँ की लस्सी बहुत फेमस है भाई साहब की, इसमें जानी क्या स्पेशल मिलाते हो भैया, क्या स्पेशल मिलाते हो इसके अंदर? शुद्ध जगह पूरा जाने और बनाते भी खुद ही आस तो एक जैसी और बढ़िया बनती है। चलो भैया बता रहे हैं, भाई साहब बता रहे हैं कि अपने हाथ से बनाते हैं इसलिए सबकी क्वालिटी एक जैसी होती है और बढ़िया होती है। और भी लस्सी का ही आनंद ले रहे हैं तो हम भी इन्होंने भी ले लिए लस्सी और लस्सी पीते हैं अब। लस्सी गाढ़ी भी है तो साथ में चम्मच की भी जरूरत पड़ेगी। एवन लस्सी का आनंद लेने के बाद अब हम आ गए हैं हमारे गांव के रेलवे स्टेशन पर। दोस्तों अब तो हम ट्रेन से यात्रा नहीं करते पर हमने बचपन में खूब सफ़र किया है ट्रेन से। जैसा कि मेरे गाँव का नाम पिपलोद है, इस स्टेशन का नाम पिपलोद रोड स्टेशन है। कुछ ही समय पहले बना यह नया स्टेशन है दोस्तों और पुराना वाला स्टेशन सामने की तरफ है। अब आ गए हैं अपने गांव के पुराने वाले स्टेशन पे। स्टेशन है टिनशेड है, बेटा कह रहा है ये स्टेशन है। तो दोस्तों मैं बता दूं ये टिनशेड ही पहले स्टेशन हुआ करता था हमारे गांव का, और हम जब ट्रेन में जाना होता था तो हम यहीं बैठा करते और यहाँ पर ही एक स्टेशन मास्टर तो नहीं होता था, वो एक टिकट देने वाले यहाँ बैठ जाया करते थे और हम टिकट ले लिया करते थे और ट्रेन का इंतज़ार किया करते थे। और दोस्तों ट्रेन के इंतज़ार में हम बच्चे लोग एक खेल खेला करते थे और वही खेल मैं आज अपने बेटे के साथ में कई सालों बाद फिर से वो खेल खेल रहा हूँ और अपनी पुरानी यादों को ताज़ा कर रहा हूँ। दोस्तों अब वीडियो को अंत करने का समय आया है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी।
दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपका प्रोत्साहन मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। धन्यवाद।